दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई बीजेपी तो खतरे में पड़ जाएगा देश। दरअसल केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ जाती है तो देश एक ऐसे खतरे में पड़ जाएगा जिससे पार नहीं पाया जा सकेगा और उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचे। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ साथ आरएसएस और संघ परिवार पर हमला करते हुए पिनरई विजयन ने उन पर देश में विविधता को नष्ट करने और धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने दावा किया कि देश में गायों के आधार पर सांप्रदायिक झड़पें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों के एक समूह को राष्ट्र के दुश्मन के रूप में चित्रित किया जा रहा है। उन्होंने दलील दी है कि हर कोई चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या पंथ का हो, कानून के समान संरक्षण का हकदार है, लेकिन देश में इसे बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उत्तरी केरल के इस जिले में एक कार्यक्रम में कहा कि इन सब ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में डर और आशंका पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ जाती है तो देश को ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जिससे पार नहीं पाया जा सकेगा और उसके बाद खेद जताने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि देश ने इस तथ्य को महसूस किया है और जनता की राय है कि इस खतरे से बचना होगा, इसीलिए भाजपा को हराना होगा। अगली बड़ी खबर, अब जातियों की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी में ही मच गया घमासाना। अभिषेक मनु सिंघवी के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खोल दिया बड़ा मोर्चा। दरअसल राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ओबीसी समुदाय के मुद्दे के सहारे उसे पिछड़ी जातियों का समर्थन मिल सकता है और वो एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से उभर सकती है। कांग्रेस पार्टी की जातिगत राजनीति पर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। कांग्रेस के अनेक नेता पार्टी की जातियों की राजनीति को बिल्कुल भी ठीक नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के मुद्दे उठाने से पहले इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। अब एक अन्य कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जातिगत जनगणना को देश की एकता के विरुद्ध बताया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुलकर इस नीति का विरोध किया है। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही कांग्रेस हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र और हर वर्ग को अपने साथ में लेकर चलती रही है। इसके साथ अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी रहे हैं। महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक की कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की राजनीति की है। ऐसे में कांग्रेस को जातिगत राजनीति सूट नहीं करती और इससे पार्टी को लाभ की जगह नुकसान होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जातियों की राजनीति समाज को जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश है। धर्म के आधार पर राजनीति होने का दुष्परिणाम देश ने 1947 में भुगत लिया है, जब उसके दो टुकड़े हो गए थे। जब जातियों के आधार पर राजनीति हो रही है तो इससे भी देश के सामने उसके टुकड़े-टुकड़े होने का खतरा पैदा हो सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश के संविधान में गरीबों, दलितों और आदिवासियों के साथ साथ हर समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने की नीति उपलब्ध है, लेकिन किसी को भी पीछे धकेलने की कोई भी नीति संविधान में उपलब्ध नहीं है। ने कहा कि ओबीसी जातियों के मुद्दे को गैर जरूरी तरीके से उठाने और ऊंची जातियों को हर बात के लिए खलनायक की तरह पेश करने से सामाजिक असंतोष भड़क सकता है, जो देश की एकता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की नीति नहीं अपनानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने घर में बैठकर तैयार किए जातीय गणना के आंकड़े, अब बड़े आंदोलन का ऐलान, राजभवन का भी होगा घेराव। दरअसल बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दिए जाने के बाद सियासत लगातार तेज होती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने अब बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा शुरू से ही इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके घर पर कोई भी कर्मी नहीं पहुंचे और बिहार में लगभग 60-70% लोगों के घर पर कोई भी कर्मी नहीं पहुंचे हैं। कई जातियों की आबादी गलत होने के भी दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और लोजपा भी इस पर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार से जातीय गणना की विसंगतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। पंचायत परिषद स्थित सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जातीय गणना के वर्तमान आंकड़ों की विसंगतियों को लेकर उनकी पार्टी सड़कों पर उतरकर आवाज उठाएगी। अगर अभी इन आंकड़ों को ठीक नहीं किया गया तो ये आंकड़े अगले 100 साल तक परेशान करेंगे।
करेंगे। पूर्व केंद्र मंत्री और नीतीश कुमार के छोटे भाई के तौर पर पार्टी में काम कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार ने आनंद फानन में जातीय गणना के आंकड़ों को जारी कर दिया है ताकि ये सांसद कह सकें कि बिहार ये काम करने वाला पहला राज्य है, लेकिन ये आंकड़े जाली और फर्जी हैं। इस रिपोर्ट को घर में बैठकर तैयार किया गया है, इसे हम नहीं मानेंगे क्योंकि किसी ने मेरी जातीय गणना की ही नहीं, क्योंकि मुझसे कोई पूछने आया ही नहीं। उन्होंने पूछा कि जब मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं तो जनता दल यूनाइटेड ने मेरा डेटा कैसे बता दिया। इससे जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना की विसंगतियों के खिलाफ 11 अक्टूबर को सभी जिलों के जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। पार्टी इससे आगे की तैयारी भी कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि आने वाले 14 अक्टूबर को पार्टी की ओर से राजभवन मार्च का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने राजभवन के घेराव का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भाजपा लालू यादव से डरती है, विधानसभा चुनावों में हारेगी बीजेपी। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने युवा आरजेडी कार्यकारिणी की सभा में कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार होगी, खासकर राजस्थान मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भाजपा की हार तय है। बिहार से भाजपा डरती है और किसी नेता से अगर डरती है तो वो लालू यादव जी हैं, उनसे भाजपा बेहद डरती है। उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर देश के कई राज्यों में जाति आधारित गणना की मांग उठने लगी है। भाजपा जाति आधारित गणना नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए धन्यवाद के बदले आपत्ति जता रही है। आपको बता दें कि उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि लंबी लड़ाई लड़नी है, आरजेडी की असली ताकत युवा हैं। पूरे विश्व में, भारत और देश में बिहार युवाओं का प्रदेश है। 40 वर्षों तक राजनीति करनी है, इसीलिए सभी धैर्य बनाकर कार्य करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग मेकिंग इंडिया बोलते थे वे आज इंडिया नाम लेने से कतराते हैं। इंडिया बोलने से प्रधानमंत्री मोदी भी भाग रहे हैं, जबकि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी की करारी हार होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू को दे डाली बड़ी नसीहत, कहा क्षेत्रीय पार्टियों को निगल जाएगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जिस कांग्रेस को अपने कंधों पर ढो रही हैं, अगर समय रहते वो सचेत नहीं हुई तो उनको कांग्रेस पार्टी निगल जाएगी। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के वक्तव्य में कारण भी दिया गया था जिस पर तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था, पर उन्होंने तर्क के बजाय घमंड का सहारा लिया। उन्होंने कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दल जातिवाद के आधार पर गठित हुई और परिवारवाद तथा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, इसीलिए उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनकी बातें सत्य और तर्क पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व समाप्त होने के पीछे कांग्रेस पार्टी का ही हाथ होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब जब कांग्रेस पार्टी ही जोर शोर से जाति आधारित गणना करने तथा जितनी आबादी उतना हक के नारे देना शुरू कर चुकी है, उसके ये नारे क्षेत्रीय दलों के आधार में सेंध लगाने के ही प्रयास हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार के बाद अब राजस्थान में भी जातिगत सर्वे के आदेश किए गए जारी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चल दिया बड़ा मास्टर स्ट्रोक। दरअसल बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद इस पर हो रही देशव्यापी बहस के बीच राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। अशोक गहलोत सरकार ने सूबे में जातिगत सर्वे कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले जहां पर इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही थी, तो अब अशोक गहलोत सरकार ने इसके लिए अपना पासा फेंक दिया है। आपको बता दें कि देर रात को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जातिगत सर्वे के आदेश जारी कर दिए हैं। उसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। अशोक गहलोत ने इसे सामाजिक न्याय के लिए नया अध्याय बताते हुए लिखा कि वंचितों की विरोधी केंद्र सरकार लगातार जातिगत जनगणना से किनारा कर रही है, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा अवरुद्ध हो रही है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने हर जरूरतमंद तक उनके हक का लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वर्गों की आवश्यकता अनुरूप योजनाएं बनाई जा सकेंगी। आपको बता दें कि अब बिहार के बाद राजस्थान सरकार ने भी जातिगत सर्वे के आदेश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड में जोरदार विरोध प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन आज दिल्ली में निकालेगा आक्रोश मार्च। दरअसल इंडिया घटक दलों की ओर से दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में आज राजधानी में आक्रोश मार्च का आयोजन किया जाएगा। सभी घटक दल से जुड़े नेता और सदस्य आज दिल्ली में मेन रोड के जिला स्कूल परिसर से जुलूस निकालेंगे। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर राजभवन पहुंचेगा, जहां पर झारखंड के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक सचिन बिरला मुख्यमंत्री शिवराज के सामने बीजेपी की ली सदस्यता। दरअसल मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बड़वाहा से विधायक सचिन बिरला ने औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बिरला ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दे दिए बड़े निर्देश। आपदा पीड़ित परिवारों को फ्री में दिए जाएंगे एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन और राशन। दरअसल हिमाचल प्रदेश में तबाही के बाद अब राज्य अपने गहरे जख्मों को भुलाकर नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में एक ईंट हिमाचल प्रदेश सरकार ने और जोड़ दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान करते हुए आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया है कि हिमाचल में आपदा से पीड़ित परिवारों को फ्री में राशन और एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाना चाहिए। नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह ऐलान किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऐलान के अनुसार लोगों को 31 मार्च 2024 तक फ्री में राशन देते रहने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ओबीसी पर राहुल गांधी का बयान सबके सामने फेल हुए तो कर रहे जाति की बात। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो सब देश के सामने है। यूपीए सरकार के शासनकाल को भ्रष्टाचार का शासन करार देते हुए उन्होंने कहा कि उसका नाम बदलकर अब इंडी गठबंधन दिया गया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने इंडिया अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास में अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने की कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडी अलायंस कर दिया है। उन्होंने इंडी अलायंस की सहयोगी पार्टी जेडीयू और आरजेडी की ओर से कराई गई जातीय गणना पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनकी ओर से किया गया था उसकी वजह से उनको लोकसभा सदस्यता भी गवानी पड़ी थी। उनका अहंकार इतना है कि अभी तक उन्होंने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह के परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अब इनके राज का जल्द ही अंत होने वाला है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया था। संजय सिंह के परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया को बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के जबर और जुल्म का दिया आने वाले दिनों में बुझने वाला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका कोई दोस्त नहीं है, इनके राज का जल्द ही अंत होने वाला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पंजाबी में कहते हैं इंतहा करने वाले को पता नहीं चलता कि उसका अंत कब हो जाता है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को लगा जोरदार झटका। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए कई नेता। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका दे दिया है। रविवार को आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि दूसरे दलों से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में आना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में राजेंद्र नगर, करोलबाग और नागलोई विधानसभा क्षेत्रों के 500 से अधिक युवा और महिला वॉलंटियर्स दिल्ली भाजपा में शामिल हो गए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।